भंसाली जी, अगर ये अपनी फिल्म का प्रदर्शन पर रोक स्वयं नहीं इससे वापिस लेते हैं तो हम क्षत्रिय समाज उनकी जो भी कोई युवक या कोई क्षत्रिय समाज का कोई लड़का उनकी जो गर्दन काट के लेके आएगा, क्षत्रिय समाज उनकी गर्दन काटने वाले युवक को 5 करोड़ रुपए का इनाम देगा। जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उसने कल बोला है कि फिल्म तो चल के रहेगी, आप भड़काने का काम मत करें। क्षत्रिय कभी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाता, पर अगर पद्मावती के नाम पे ये लोग भड़काने का काम बंद नहीं करेंगे तो दीपिका जी आप भी सुरक्षित रहिएगा। राजपूत क्षत्रिय है, हाथ नहीं उठाएंगे, पर सूर्यपंखा की तरह नाक काटना अभी छोड़ा नहीं है क्षत्रिय ने। ऐसा सबक सिखाएंगे कि समझ में आ जाए कि पूरे देश को कि हमें भड़काना, हमें गलत तरीके से दिखाना कितना महंगा पड़ सकता है इनको। क्या हैसियत है दीपिका की, एक पैसे के दम पर नाचने वाली स्त्री अगर इस तरह से क्षत्रियों को चैलेंज करेगी तो क्या बच्चे लोग होश नहीं खाएंगे, वो आपा नहीं कहेंगे? हजारों लाखों लोगों ने सती हो गई, क्या उनका सम्मान नहीं है? क्या वो दीपिका पादुकोण इस बाजारू स्त्री जो पैसे के दम पर नाचती हो, क्या वो हमें बताएगी, वो हमें समझाएगी कि क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? पिक्चर नहीं चलेगी। आज अगर ये सेंसर बोर्ड परमिशन इसको देता है तो इस देश के अंदर अराजकता फैलेगी। करोड़ों युवा सड़कों पर पहले से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तैयार रहे झेलने के लिए। और मैं तो कहता हूँ सेंसर बोर्ड और सरकार सीधे सीधे जुम्मेवार होंगे, जो भी जनहानि होगी उसके। मैं इस मंच से, आज तक के मंच से ये ऐलान करता हूँ कि संजय लीला भंसाली की माता जी जो लीला भंसाली है, हम उनके ऊपर, राजपूत समाज उनके ऊपर फिल्म बनाएगा और उनके जीवन के चित्रण को दिखाएगा। आजकल दो छापने का काम कर दिया, डिस्प्यूट क्रिएट करो, समझौता करो और टीआरपी बढ़ा लो। टीआरपी बढ़ाती हूँ, टीआरपी अपने बढ़ाई है, हमने बढ़ाई है टीआरपी इस फिल्म की। हम चांदी का जूता मारेंगे। जब नोटबंदी शुरू हुई थी उसके 15 दिन पहले ये फिल्म शुरू हुई है और पूरे नोटबंदी के दरमियान 160-180 करोड़ रुपया इसमें लगा है। पैसा ही कहाँ से आया इतना सारा? जब धमकी आई थी पाकिस्तान से तब मैं इस बात पर बोला कि ये पैसा दाऊद का है। एक फोन जो धमकी का मेरे लिए आया था उस जगह से आया था जहां कराची में हम इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद को ढूंढ रहे। मतलब नाम बदल जाए तो आपको इसके बाद कोई आपत्ति नहीं? देखिए नाम बदलने के बाद चित्तौड़ और जौहर कहां जाएंगे, रावण रतन सिंह कहां जाएंगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी कहां जाएंगे, फिर गोरा बादल कहां जाएंगे, फिर चेतन राघव कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे? नहीं, आपने अपने शब्दों में कहा कि अगर नाम बदल जाए फिल्म का, उसके उसकी व्याख्या में थोड़ा सा आपके मेरे कहने में और समझने में अंतर हो सकता है। मैं तो कह रहा था आई की जगह पी गायब कर दो और उसके हिसाब से अद्भावती बन फिल्म बना, लीलावती हीरावती बना। जो कोई भी रिलीज डेट है आज आपके मार्फत से सभी उन युवाओं को अपील करूंगा, एक जनता कर्फ्यू फिल्म हॉल पर जरूर लगा दें। जिस किसी दिन भी ये फिल्म आने वाली हो उस फिल्म हॉल में फिर वहां पर कर्फ्यू सी की स्थिति है। ये भंसाली जैसे जो लातों के भूत हैं, बातों से तो नहीं मानते थे पर अब तो ये लातों से भी तो नहीं मानते। 27 जनवरी को थप्पड़ खाए थे तब 30 जनवरी को लिख के दिया। अभी हमारे बहुत युद्धवीर लोग से काट लाने की बात कर लेते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितने सिर काटे हैं, क्यों करनी सेना के नाम से ये बकवास की जाती है। हम मारेंगे, हम नहीं चलने देंगे। 200 करोड़ रुपए की फिल्म है, अरे 20,000 करोड़ के सिर कटाए हैं हमने, हमारे बुजुर्गों ने, लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत कीमत का खून बहाया है हमारे पूर्वजों ने। क्या इसी तरह से कालिक पोतने का षड्यंत्र हरदम से जो चलता जा रहा है उसको चलने देंगे? नहीं चलने देंगे अब हम।